अस्सलाम वालेकुम। सो फिर मैं इमाम रज़ा के दरबार पर हूँ और कहा जाता है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ये जो दरबार है, मज़ार है, या आप कह लें कि इनकी ज़ियारतगाह जो है वो एशिया में सबसे बड़ी है और इससे बड़ा दरबार किसी का नहीं है रकबे के हिसाब से। और इस जो इनके मज़ार का आता है या ज़ियारत का आता है उसमें मुख्तलिफ मिस्ट्रीज़ हैं और उसको भी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। और उसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम 8वें इमाम हैं और इनकी जो बहनें बीबी हैबत जो बाकू में है उन पर भी हमने वीडियो बनाई हुई है। इसी तरह बीबी मासूमा कुम है जो कुम में है उन पर भी हमने व्लॉग बनाया हुआ है, उनकी भी बारे में हिस्ट्री दी हुई है। इसी तरह उनकी एक और बहन बीबी सकीना जो मोहम्मदी रेलवे स्टेशन कुम के करीब है उससे थोड़ा सा आगे उनकी ज़ियारत गाह मौजूद है, उन पर भी हमने वीडियो बनाई है। इसके अलावा उनकी एक और बहन बीबी महम जो पाकिस्तान सिंध और सिंध के इलाके टंडोला यार से आगे जाए चंबड़ से गुलाब लगारी जो है वहाँ पे जाएं तो उनकी ज़ियारत गाह मौजूद है जो न्यूली डिस्कवर हुई है चंद साल पहले। उस पर भी हमने बहुत काम किया और आपको बताया और अब हमारी वीडियोस के तवज्जो से जो है वहाँ पे लोगों का तांता बनता जा रहा है और दिन ब दिन वो ज़ियारत मकबूल आम होती जा रही है और हाजतों के लिए लोग और मन्नतों के लिए और ज़ियारत के लिए लोग पूरे पाकिस्तान से उस ज़ियारत का रुख कर रहे हैं। तो आप वो भी मेरे चैनल जर्नी ऑफ फेथ पर देख सकते हैं। अब इमाम रज़ा के बारे में मज़ीद बताता चलूँ कि इनके भाई इसहाक सावा में भी हैं और एक यहीं करीब भी हैं जो रावी कहता है कि ये इनके भाई समझे जाते हैं, कन्फर्म नहीं दिया, सैयद मोहम्मद के नाम से है जो मशहद में ही उनकी ज़ियारत गया है वहाँ पर भी हम आपको लेके जाएंगे। इसी तरह इमाम रज़ा जो है वह इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के साहबजादे हैं और मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो है वो इमाम जाफ़िर सादिक जिन्होंने इल्मे नजूम और सितारों का और बहुत सारे अलूम इस कायनात में फैलाए जो आज मुँह बोलता सबूत है, जिस पर साइंस रिसर्च करके कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और हम मुसलमान कहाँ पर हैं। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का शजर नसब बताते हुए अगले शजरे पे पहुँचते हैं जो हम रिवर्स में जा रहे हैं। इमाम जाफर सादिक के बाद उनके वालिद यानी कि इमाम इमाम बाकर अलैहिस्सलाम हैं। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, उनके बारे में भी काफ़ी वीडियोस हम बना रहे हैं। इसी तरह और अगर हम शजरे में पीछे जाएँ तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जो इमाम हुसैन के बेटे हैं और जद हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के, और इसी तरह हम और पीछे चले जाएं तो इमाम हुसैन जो करबला जिनके साथ हुआ और करबला में क्या क्या हुआ ये सब चीज़ें आपको मुझसे ज़्यादा पता है, और उनके वालिद गिरामी मौला अली शेर खुदा हैं जो इस कायनात के में क्या कुछ उन्होंने किया और क्या कुछ है मुझसे ज़्यादा अच्छा आप जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था आपसे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में, तो यकीनन आपको कुछ मालूमात तो उससे ज़्यादा थी, कुछ और भी नया पता लगा होगा क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत कुछ नहीं पता इमाम के बारे में और बहुत से ऐसे हैं जिनको मुझसे भी ज़्यादा बहुत चीज़ें पता हैं। तो आगे चलते हैं और ये ज़िक्र करते हैं इनका कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का बचपन कैसा था। कि इमाम मूसा काज़िम को जब गवर्नमेंट या उस वक्त के जो अब्बासीस थे या हुक्मरान थे वो कभी बुला लिया करते थे बगदाद में और कभी सामरा में बुला लिया करते थे, और फिर वहाँ जो भी मामलात उनके साथ होते थे कभी उनको जेल में भी डाल दिया करते थे, कभी जो है उन्हें छोड़ भी दिया करते थे, और जब उनसे काम पड़ता था तो उस काम भी करवाया करते थे और उसकी अदायगी भी दिया करते। तो इमाम रज़ा बचपन ही से जो थे बहुत सखी दिल थे, तो उनके वालिद उनकी अलग से पैसे उनके लिए भेजा करते थे, क्योंकि इमाम रज़ा जब छोटे थे तो जितने भी उनके वालिद साहब पैसे दिया करते थे वो गरीबों में
तकसीम या बच्चों में तकसीम कर दिया करते थे। तो उनकी वालदा ने कई बार अपने हस्बैंड यानी कि इमाम मूसा काजिम से भी कहा कि अली ऐसा करता है, तो वो कह रहे इसको करने दिया करो। तो ये सिलसिला जारी था। तो इमाम मूसा काजिम ने अपने बेटे यानी कि इमाम अली रज़ा को जो है वो एक अलग ही तरीके से जो है वो परवरिश का अंदाज़ अपनाया, और क्योंकि उनके बच्चे जिस तरह थे और उन्होंने अपने हर औलाद के साथ एक ख़ास तरीका रखा, और ज़ाहिर है उनसे आगे जब उन्हें पता था कि ये अली रज़ा जो है वो आगे उनकी जो है सिलसिले को जारी रखेंगे, तो इस वजह से उन्होंने ये भी सीन रखा। तो उसी दौर में जो है वो इमाम मूसा काजिम के उस वक्त के जो अब्बासी के अब्बासीज़ के सलार थे वो बहुत करीब आ गए, और उन्होंने इमाम की सखावत, इमाम की इल्मे दर्जात और इमाम की वो पोशीदा चीज़ों को जब देखा जो लोगों के सामने आया नहीं थी, तो वो इमाम के गर्विदा हो गए। और जब इमाम मूसा काजिम को शहीद किया गया जहर देकर, तो उसके बाद जब इमाम अली रज़ा बने उस वक्त के इमाम, तो वो उसका ताल्लुक ना इनसे भी जुड़ गया, और इस तरह इमाम रज़ा जो है वो कई अरसा मदीने में अपनी इल्मी खिदमात अंजाम देते हुए लोगों के दिलों को मुनव्वर करते जा रहे थे, और उसी के साथ साथ वो अपना एक अलका अहबाब या लोगों के अंदर एक अपनी शख्सियत बनाते चले जा रहे थे, और उसी शख्सियत को फैलाते चले जा रहे थे जो अर्थ से निकल कर जो है वो दूर दराज तक फैली, यानी कि मौजूदा सऊदीया से निकल कर कूफा, और कूफा से फिर आगे बगदाद, और बगदाद से आगे खुरासान तक पहुंची। और उसी दौर की बात है कि खलीफा मामूर के कुछ जो ख़ास और करीबी लोग थे उन्होंने मशवरा दिया कि इनको जो है वो अपने पास बुलाया जाए ताकि आप जो है वो पहले से ज़्यादा मशहूर हो सकें और पहले से ज़्यादा सिक्योर हो सकें, क्योंकि उस वक्त इमाम अली रज़ा का डंका जो है वो पूरे अरब में बजता था, और लोग दूर दराज से इनके पास अपने मुश्किलात का हल लेने जाते थे, इल्म सीखने जाते थे, और अपनी बहुत सारी जो रूहानी और दुनियावी रुकावटें थी उनको दूर करने के लिए जाया करते थे। जहाँ तक पहुँचा उसी से आगे हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, और आपको थोड़ा सा रिव्यू मैं आपको देता जाऊं कि जब इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया, तो उस वक्त तकरीबन इमाम रज़ा की जो एज थी वो 36 साल थी, और उन्होंने 36 साल अपने वालिदे ग्रामी के साथ गुजार चुके थे, और उनसे इल्म की वो बुलंदियों पर पहुँच चुके थे जैसे कि खुद इमाम मूसा काजिम अपने बचपन ही से जो इल्म रखते थे, और बड़े बड़े उस वक्त के जो उलमा थे और इमाम थे उनको वो
अपने ज़ेर साया कर चुके थे। तो ये सिलसिला इमामत का आगे बढ़ता है और इमाम अली रज़ा तकरीबन जो है आप समझें कि उन्होंने तकरीबन जो है वो 50 से 55 साल तक की उम्र तकरीबन उन्होंने पाई। और मुख्तलिफ किताबों में रावी जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें लिखते हैं। हम उनकी डेट ऑफ बर्थ आगे आपको बताएंगे। अभी जो सिलसिला चल रहा है हम उससे रिव्यू करें कि इमाम मूसा काजिम ने उस इल्म को जहाँ छोड़ा उस इल्म को आगे इमाम रज़ा ने कैरी किया और उनकी आल ने कैरी किया। इमाम मूसा काजिम वो वाहिद इमाम है जो अरब यानी कि मदीना से उस वक्त निकले और उनसे पहले इमाम जाफर सादिक और उनसे पहले इमाम बाकर और उनसे पहले इमाम सज्जाद जो है वो मदीना मनवरा में ही उन्होंने इल्म का सिलसिला जारी रखा और दूरों पेश के उन्होंने सफ़र ज़रूर किए और प्रॉपर हिजरत नहीं की। वक्ती तौर पे टेम्परेरी तौर पे वो इधर उधर जो थे वो बुलावे पे या दावत पे या लोगों के कहने पे या हुक्म रब्बी पर या अपने जद के हुक्म पर वो जाया करते थे, मगर उन्होंने अपना मस्कन नहीं छोड़ा यानी कि मदीना मनवरा नहीं छोड़ा। तो ये पहले इमाम मूसा काजिम थे जो मदीना से निकल कर जो है वो सामरा तक पहुँचे। ज़ाहिर है हर कोई अपने घर में ही रहना चाहता है और अपने जद को फॉलो करना चाहता है, तो इन्होंने फॉलो तो उसी चीज़ को रखा, मगर उस वक्त के जो हुक्मरान थे उन्होंने इनको सामरा में कभी कैद में रखा, कभी इनसे इल्म और माफ़रत की किताबें लिखवाई और कभी जो है वो इन्हें नज़रबंद किया और कभी जो है वो इन्हें वापस छोड़ दिया। तो ये सिलसिला जारी रहा और आखिरकार इमाम मूसा काजिम को जहर दे दिया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। इमाम रज़ा का जब तारीख में पढ़ा जाए तो उसमें बहुत तेज़ी से जो है इमाम रज़ा ने अपनी वालिद ग्रामी की जगह को पुर किया और अपने बाकी बहन भाई और कज़न्स और लोगों को लेके और चलना शुरू हुए, क्योंकि अहले बैत की सबसे अच्छी बात ये थी कि जो उस वक्त लीड करता था या इमाम हो जाता था सब उसी के हुक्म को मानते थे और उसी को लेके चलते थे, और जो उनमें बड़ा भी होता था वो भी अपने मशवरे देते थे मगर फाइनल फैसला जो होता था वो इमाम ही किया करते थे। तो इमाम रज़ा की जब शोहरत देखी अब्बासियों ने और खलीफा मामून ने, तो उसकी शोहरत ज़ाहिर इमाम की जो शोहरत थी तो वो सर चढ़ कर बोलती है लोगों पे, और अब्बासियों की जो है वो खिलाफत कह लें या हुकूमत कह लें वो भी इतनी कोई ख़ास पावरफुल नहीं हो रही थी उस वक्त, क्योंकि दूसरे अटैक्स और दूसरी कौमें भी जो है वो चढ़ाई करने को तैयार थी। तो इस मौके पे बादशाह के जो है वो चंद ख़ास जो लोग थे उन्होंने मशवरा दिया कि आप इमाम अली रज़ा को जो है वो अपने साथ मिलाएं और उनसे जो है अपने हिस्से में जो है वो कुछ कहलवाएं और वो आपकी सपोर्ट करें। उस सिलसिले में जो है वो उस वक्त पानी भी एक नेमत है और वो भी इमाम के दर का पानी पिए बात ही क्या है। तो इमाम के दर का ये एक प्लास्टिक का गिलास भी जो है वो इमाम प्लास्टिक का गिलास भी जो है वो इमाम की फैक्ट्रियों से आता है। ये भी मैं आपको अलग से एक ब्लॉग बताऊंगा बनाकर जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इमाम के बिजनेस क्या क्या है। तो मैं आपसे बात कर रहा था और आपको बता रहा था इमाम रज़ा के बारे में। इमाम रज़ा अलैह सलाम जैसे जैसे वो मशहूर होते गए और बादशाह तक भी बात पहुंची और बहुत से लोग ख़तों किताबत करते थे, तो उस दौर में ज़ाहिर है ख़तों किताबत ज़्यादा चलती थी, कहाँ मदीना और कहाँ खुरासान जो मौजूदा है ठीक ठाक सफ़र था।
तो बादशाह के जो चेलों ने उसे मशवरा दिया, तो बहुत से ख़तों खिताबत जो है वो फिर स्टार्ट हुई इमाम से, और इमाम उनके ख़तों का जवाब भी देते रहे, और इमाम एक वक्त तक जो है वो इनको इनकार या समझाते रहे कि मैं अपना घर बार और मेरे यहाँ भाव अजदाद की सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आखिरकार बादशाह ने जो है वो उस जो सलार था जो इमाम मूसा काजिम को भी जानता था, जो रावी ने भी लिखा है, तो उन्हें भेजा और चंद सिपाहियों के साथ के जाओ और अली रज़ा को जो है वो लेकर आओ मेरे पास। तो जब ये दस्ता पहुंचता है और इमाम रज़ा को ख़बर पहुंचती है, और इमाम रज़ा फिर अपने घर वालों से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी आखिरी जो है मुलाकात है, इसके बाद जो है मैं यहाँ से चला जाऊँगा और फिर आगे का मुझे नहीं पता। तो इमाम रज़ा जो है वो जब निकलते हैं मदीना से, तो वो पहले मक्का जाते हैं, और मक्का हाज़िरी देने के बाद अपने आप को जो है खुदा के सपोर्ट करते हुए वहाँ से निकलते हैं, और जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं रास्ते में लोगों को पता चलता जाता है कि इमाम जा रहे हैं, तो वो इमाम के पीछे हो लेते हैं। तो जो काफ़िला चंद लोगों का था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते कई सौ लोगों का होता चला गया। जब वो काफ़िला जो है आपने निशापुर में कदम गा के करीब देखा, तो वहाँ जब पहुँचता है तो वहाँ नमाज का टाइम होता है, और इमाम पानी मांगते हैं, तो पानी जब नहीं मिलता तो वो पत्थर पे खड़े होते हैं और अपना आसा ज़मीन पे मारते हैं, तो उस पत्थर के नीचे से पानी जब जाहिर होता है और चश्मा फूटता है, तो ये उनकी पहली करामत रस्ते में जब लोगों ने देखी, यानी कि आम जबान में लोग कहते हैं मौजा और करामत में क्या फ़र्क है, तो मैं कहता हूँ अहले बैत जो है वो हमेशा मौजे करते हैं और आम लोग जो है वो करामत दिखा सकते हैं। बाकी आपके अपने स्कूल ऑफ थॉट का मामला है। तो इमाम ने वहाँ पे जो काम किया वो मेरे व्लॉग में आपको कदम गा के कई व्लॉग बने हैं, उसमें मैंने वो कई बार आपको बताया है। इससे आगे इमाम कहाँ बढ़े वो रुके मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ जब भी आप आए आपको कुछ ना कुछ नई कंस्ट्रक्शन मिलेंगी। यहाँ ज़रा फ्रिक्वेंटली आते हैं तो आपको एक ही चीज़ पता लगेगा कि ये सील कर दी है और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, और थोड़ी अर्से बाद जब वो खोलते हैं तो एक नई इमारत या एक नई सहूलत लोगों के लिए जो है वो बना दी जाती है। इतने सदियाँ गुजर गई हैं और ये जगह जो है वो बड़ी से बड़ी और अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर होती जा रही है ज़ायरीन के लिए। तो हम बात कर रहे थे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जब वो दस्ता आगे बढ़ा, तो कदम गा जो आपको निशापुर में मैंने बताई उसके साथ उससे थोड़ा सा और आगे आ जाए, तकरीबन 60-70 किलोमीटर आगे आ जाए, तो आपको एक दह सुर्ख जगह के नाम से भी मौला के कदम मिलेंगे और कुआं मिलेगा, और वहाँ पे एक इमामजादे की भी मैंने ज़ियारत बनाया की वीडियो बनाई है, जो है इमामजादा अब्दुल अज़ीज़। दह सुर्ख मतलब दह माने दस कहते हैं और सुर्ख माने मट्टी को कहते हैं, तो 10 लोगों की सुर्ख ज़मीन कह लें आप, या उस जगह का नाम दह सुर्ख है। वहाँ इमाम को बहुत से लोगों ने जब पहला मौजज़ा देखा तो इमाम के का तो उस इलाके के लोगों को खबर हुई, और उन्होंने इमाम को वहाँ रोका कि हमारे यहाँ स्किन के प्रॉब्लम है और हमें यहाँ पे और भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। तो इमाम वहाँ रुके और वहाँ पर भी इमाम ने अपना आसा ज़मीन में मारा, तो वहाँ से पानी जारी हुआ और वो पानी उन लोगों ने पिया और नहाए, तो उनके मुश्किलात जो है या परेशानियाँ जो स्किन डिजीज़ थी वो ख़त्म होना शुरू हुई। तो ये बात और फैली, जो चंद लोग निकले थे मदीना से जो 100 की तादाद में हो गए थे, फिर वो हज़ारों में होना शुरू हो गए और इमाम के पीछे पीछे हो लिए। इसी तरह इमाम जो है वहाँ से निकले दह सुर्ख से, वहाँ से होते हुए जो है वो तूस के करीब ही पहुँचे थे कि बादशाह जो है वो अपनी पूरी काबीना को लेकर शहर से बाहर आ चुका था, जो कई किलोमीटर के फासले पर थी,
वहाँ पर जो है उसने इमाम रज़ा का जो है वो इस्तकबाल किया और बड़े शान शौकत से जो है उसने उन्हें जो है वो महल की तरफ लेके गए, उसने अलग से उन्हें जगह दी, रुकवाया और आहिस्ता आहिस्ता जो है जब इमाम को कहा कि आप थोड़े दिन आराम करें फिर हम आपसे बात करेंगे, तो चंद दिनों के बाद जो है वो खलीफा ने उस वक्त के उनको पेशकश रख दी जो आप भी जानते हैं काफ़ी सारी थी। रावी ये भी तक लिखता है कि उन्हें वज़ीर बनाने का बोला और आधी जायदाद और अपनी बेटी से शादी और हुकूमत उस वक्त के जो काम थे उसमें बहुत सारे फैसलों में और बहुत सारी चीज़ें ज़मीनें उनके नाम करने को कहा गया था। तो मौलाना ने सारी चीज़ें बाज़ रावी कहते हैं कि ठुकरा दी और कहा कि बस मैं जो है वो सिर्फ आपको मशवरे दूंगा और इसके अलावा और कोई भी खिदमत नहीं लूँगा। कुछ रावी लिखते हैं कि इमाम रज़ा ने जो है वो उनकी बेटी से शादी भी की। तो जब हम तारीख को और गहरा मुताला करेंगे तो इस चीज़ तक नतीजे तक पहुँचेंगे। अभी जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ वो यही है कि इमाम रज़ा जैसे चले और जहाँ तक पहुँचे तो उनके साथ क्या क्या हुआ और रास्ते में वो अपने मौजे जो है वो किस तरह दिखाते हुए वहाँ पहुँचे। अगला मौजा मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका ज़रूर इंतज़ार करिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ लम्हों के बाद। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इमाम रज़ा के हरम में और मैं आपको इमाम रज़ा के बारे में बता रहा हूँ जो कि बहुत मुफीद और काम की बातें हैं। और ये बातें ना सिर्फ आपकी नस्लों में काम आएंगी, आपकी औलाद में काम आएंगी, बल्कि उसके साथ साथ आपके लिए बहुत बड़ी नॉलेज है। और ये नॉलेज हमने ज़ाहिर है काफ़ी अरसे में इकट्ठी की है और ये नॉलेज ऐसी नहीं आ गई, इसको टाइम लगा है। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि इमाम रज़ा यहाँ पहुँचे, इस्तकबाल हुआ और उनको किस तरह जो है वो पेशकश की गई। इमाम रज़ा यहाँ पे कहा जाता है तकरीबन 3 साल के करीब जो है लगोबेश उन्होंने यहाँ पे क़याम किया। उस 3 साल के अंदर उन्होंने बहुत से शागिर्द बनाए, इल्म का सिलसिला जारी किया और हुकूमत वक्त से अलहदगी इख्तियार करने के बाद और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दूर करने से मुतालिक उन्होंने यहाँ पर बहुत से ऐसे काम करना शुरू किए जो हुकूमत वक्त के लिए उस वक्त अच्छे भी थे और ख़तरनाक इसलिए थे कि बादशाह मशहूर होने के बजाय इमाम की मकबूलियत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। हुआ यूँ कि एक बार ईद आई और ईद पे जो है इमाम को कहा गया कि इस बार आप खुतबा देंगे, क्योंकि उस ज़माने में रवाज था कि जो भी बादशाह या खलीफा होता था वो खुतबा दिया करता था और वही नमाज भी पढ़ाया करता था। जब इमाम रज़ा को ये मौका मिला तो इमाम रज़ा जो है वो ईद की सुबह गुसल किया, कपड़े पहने, खुशबू लगाई और नंगे पांव अपने घर से वर्द करते हुए, जो आप भी करते हैं नमाज के लिए जब जाते हैं तो वो वर्द करते हुए चल पड़े। जब लोगों ने इमाम को देखा कि इमाम तैयार हैं और नंगे पांव हैं और मस्जिद की तरफ उनकी जो है वो चहलकदमी या उनका सफ़र जारी है, तो लोग भी उन्हीं की तरह जो है वो नंगे पांव चल पड़े और ये बात इतनी तेज़ी से फैली कि बादशाह तक पहुंच गई, क्योंकि उसने भी आना था, उन्हीं के इमाम के पीछे नमाज़ पढ़नी थी। तो ये वो चीज़ थी जहाँ पे उसकी जो है वो खतरे की घंटी उस पर बजी कि यार ये क्या हो रहा है। जैसे जैसे मैं इनको इज़्ज़त और वो चीज़ें दे रहा हूँ ये और मशहूर हो रहे हैं और इनसे ले रहा हूँ चीज़ें तो भी ये लेवल जो है इनका बरकरार है। तो वहाँ चंद लोगों ने उस खलीफा के कान भरे कि ये आपके लिए सही नहीं है और आप जो है इनका कुछ काम करें। तो खलीफा ने उस वक्त ठान ली कि अब इनको अपने रास्ते से हटाना है। तो उस नमाज के बाद बड़े तरीके से कुछ लोग कहते हैं या रावी कहता है कि उन्होंने जो है वो उन्हीं के किसी बंदे को ख़रीदा और उन्हीं के थ्रू जो है वो खाने में जहर दे दी। और एक वक्त का इमाम जानता है कि उसको क्या करना है, उसके साथ क्या हो रहा है और सामने वाले के अंदर क्या है, ये सब चीज़ें वो जानते थे। और जाहिर है जब एक इमाम चाहता है तो वो काम होता है। तो उन्होंने वो चीज़ जो है खा ली और इस दुनिया फानी से वो कुछ कर गए। मगर इससे पहले कि वो ये काम करते या उनके साथ होता तो वो इल्म इतना फैला चुके थे और इतने शागिर्द अपने तेज़ी से बना रहे थे कि वो शागिर्द दूर दराज इलाकों में जाकर भी जो है वो इल्म
का सिलसिला जारी रखा हुआ था, और ये सबूत है आज भी इनके दरबार को जो है वो आज भी इनके दरबार में इल्म वाले आते हैं, आज भी इनके रूहानी शागिर्द हैं और आज भी लोग फैज पाते हैं। और आगे आपको मैं बताऊंगा कि इनको जब मदफ़न करने का वक्त आया तो क्या हुआ, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। स्टे विद अस जर्नी ऑफ फेथ। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इमाम का सफ़र और शहादत का, इंसान पैदा कहाँ होता है और इस दुनिया फ़ानी से जाता कहाँ है, ये एक लंबी दास्तान है हर किसी की। तो पैदा कहाँ हुए, हजूर के साए तले मदीना मुनव्वरा में, परवरिश भी यहीं पाई और अपने आप को मनवाया भी यहीं पर, और जब यहाँ से उनका सफ़र आखिर शुरू हुआ तो वो यहाँ से कूच किया मदीना से, और रास्ते में जो जो हुआ मैंने आपको बताया, और आखिर में एक खलीफा के दिल में आया कि ये मेरी हुकूमत ना ले लें और ये जितना मैं इन्हें चाहता हूँ कि ये दब जाएं और जितना मैं चाहता हूँ कि ये इल्म ना फैलाएं, ये हर चीज़ उतनी ही करते चले जा रहे हैं। तो वो जो बोझ उसके दिल में आई और जो एक खौफ बादशाह के दिल में आया, वो खौफ जो है उस बादशाह को भी ले डूबा और उसने वो गलती कर बैठी जिसके बाद वो खुद भी नहीं रहा। तो ये सिलसिला था कि उस वक्त के खलीफा ने, जिसको हम बादशाह भी कह रहे हैं, दायरे खलीफा बादशाह की बराबर था, वो उसके पास अख्तियारात थे सारे। तो कुछ लोग या रावी या कुछ किताबों में ये भी लिखा है कि उस वक्त जो मामून था उसने जो है, खलीफा जो था और उस वक्त का, उसने सियासत तो खेली और साथ साथ लोगों को ये भी एहसास दिलाया कि लोगों को पता ना लगे कि जहर उसने दिलवाया है और उसी ने जो है वो इनको शहीद करवाया है। ये इलाका तूस से, जहाँ पे अभी मौजूदा इमाम रजा का ये हरम है, ये तकरीबन 24 किलोमीटर के फासले पर है तूस पे। और यहाँ पर एक वक्त था कि मौजूदा टाइप की, और आपने जो है वो मकली में देखी होंगी, उस तरह की जो है वो कब्रें बनी हुई थी और यहाँ पे वो सिस्टम था, उन्हीं के दरमियान जो है वो यहाँ पर इनके कब्र मुबारक को बनाया गया, और उस पर भी कई बार मैंने आपको बताया सियासत खेली गई। तो इस तरह इमाम रजा अलैहिस्सलाम यहाँ मदफूम हुए तूस में, ज़ाहिर तूस से बाहर था। अब ये मशहद है तूस, इस तरह इमाम रजा जो है वो तूस से बाहर मदफन हुए और इस नए शहर का नाम मशहद रखा गया। और मशहद के बारे में आपको मैं बताऊंगा अपने अगले किसी व्लॉग में कि ये मशहद क्यों है और यहाँ क्या क्या इमाम की चीज़ें हैं और करामात हैं, क्योंकि ये मशहद ऐसे नहीं नाम रखा गया, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। और ये इतना ठंडा क्यों रहता है और यहाँ साल में ठंड, बर्फ़बारी, बारिश, ये सारी चीज़ें क्यों रहती हैं। तो अभी इमाम रजा के इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, जो मैंने आपको बताया इमाम रजा के बारे में, बहुत मुख्तसर मुख्तसर चीता चीता बातें जो हैं वो मैंने आपको बताई। और इस सिलसिले में आप अगर मुझसे बेहतर जानते हैं तो मेरी रहनुमाई करते रहें, और जितना मैंने अच्छा बताया इसको सराहें, और इसमें गलतियों के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ तक के लिए मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर ज़रूर करें, अपने बच्चों को ज़रूर दिखाएं ताकि उन्हें पता लगे कि उनकी इस्लामी हीरोज़ की या इमामों की या इस्लामी लोगों की हिस्ट्री क्या है। आप अंग्रेज़ी हिस्ट्री तो पढ़ लेंगे और आप इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ लेंगे, कभी मुसलमान हिस्ट्री भी पढ़ के देखें। तो लगे रहें, जारी रहें जर्नी ऑफ फेथ के साथ, सीखने के इल्म में, फेथ के इल्म में, और पुरानी हिस्ट्री जानते रहें।
अस्सलाम वालेकुम, या अली मदद। मैं इंशाल्लाह जा रहा हूं, हम लोग फजल जो है अमल है।